नामा रोशन कश्मीर, रोशन कश्मीर वेलीज ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल न्यूज़पेपर। सलाम अलैकुम नाज़रीन, रोजनामा रोशन कश्मीर की सुर्खियां लेकर आपका मेज़बान मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर। आज मंगलवार है, माह जून की 14 तारीख 2022, 13 ज़िलक़ा सन 1443 हिजरी। तो आगाज़ में नज़र डालते हैं रोजनामा रोशन कश्मीर की इस सुर्खी पे, जिसे आज बेशतर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पे शाया किया है। अस्करियत से निमटने के लिए हुकूमत की पॉलिसी वाज़ह, मनोज सिन्हा। अस्करियत के खात्मे के लिए पुरअज़म। हालात बिगाड़ने के लिए सरहद पार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल और ड्रोन भेजे जा रहे हैं। बैन अवी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फायरिंग के साथ ही दरअंदाज वापस जाने पर मजबूत तलाशी ऑपरेशन जारी। राहुल को ईडी समन के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज, कांग्रेस लीडर की तलबी सियासी इंतकाम गिरी करार दे दिया। पुलिस एसआई भर्ती तहकियाती पैनल तश्कील, 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना केसों में लगातार इजाफा, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,084 नए केसेस। जेके बैंक के नए सॉफ्टवेयर की तनसीर, तमाम शाखों में काम मुतासिर सार्फिन को मुश्किलात। योगा को इंसानी ज़िंदगी में एक बड़ा मकाम, वज़ीर आज़म मरकज़ के 75 और मुल्क के 75 तारीखी और सकाफती मकाम पर योगा करेंगे। साल रवा में अभी तक 100 जंगजू जाबा किए गए, ज़्यादा तादाद लश्कर की थी, 71 मकामी जबकि 29 गैर मुल्की जंगजू शामिल है। IGP हुकूमत जख्मी MBBS तालिब इल्म को बांग्लादेश से एम्स ले जाएगी, रविंदर रैना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बदरवा में 5वें रोज़ भी कर्फ्यू। हालात काबू में, गुस्ताखाना बयान के खिलाफ श्रीनगर में पुरामन एहतजाज। कोरोना केसों में इजाफा, मरकजी वजीर सेहत की कई रियासतों के अहदेदारान के साथ मीटिंग। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मंडाविया। कश्मीरी पंडित मुलाजमी ने वादी से बाहर मुंतकली का मुतालबा दोहराया। उड़ी के लापता लड़के की लाश जंगल से बरामद। अब पेश रोशन कश्मीर की कुछ बैन अवी सुर्खियाँ। रूसी नाकाबंदी से आलमी गजाई बहरान जन्म ले सकता है, यूक्रेनी सदर का इंतबाह। मलेशिया में सजाए मौत ख़त्म, यूरोपीय यूनियन का खैर मकदम। अमेरिका की तारीख में पहली बार गैलन पेट्रोल $5 से तजावज़ कर गया। दिमशिक एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान होने के सबब रनवे काबिल इस्तेमाल नहीं। शाम चीन ने ताइवान के मामले पर जंग की धमकी दे दी। तखाना बयान के खिलाफ भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 2 अफराद जांबाज। रांची में पुलिस ने 2 मुजाहरों को गोली मारकर हलाक कर दिया। मुख्तलिफ रैलियों के दौरान 130 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली हमलों के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। जनूबी अफ्रीका में तेज़ रफ्तार ट्रक और मुसाफिर बस में खौफनाक तसादुम, 15 अफराद हलाक। अब पेश रोशन कश्मीर की कुछ ज़ेली सुर्खियाँ। सरमद हफीज़ का चंदनवाड़ी और शीशनाग का दौरा, मुख्य सेहत की जानिब से किए गए यात्रा इंतजाम का जायजा लिया और काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। NDA के 8 साल दौर इकदार आम की जीत, जम्मू कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग के 2000 यूनिट कायम किए जा रहे हैं, मरकजी वजीर। 8 बरसों से तनख्वाहों की अदम अदायगी, मुख्य सयाहत के आर्जी मुलाजमी का श्रीनगर में एहतजाज। कंगन में हादसा, मोटरसाइकिल सवार हलाक, केस दर्ज। सिक्किम सोरा में ब्लड डोनेशन कैंप का इनका, खून का अदिया करना, कीमती जानों को बचाने की मुतरदित इश्तियाक बेग। जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स मोमिनाबाद श्रीनगर मीटिंग की सदारत की। मरकज ने ई कामर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों को 15 दिनों के अंदर सार्फिन को शिकायत के अजाले के तरीक़ार को बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश करने की हिदायत दे दी। सपोर्ट्स के हवाले से रोशन कश्मीर रकम तराज है, पाकिस्तान की पहली खातून MMA फाइटर ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे दी। राज टेलर का T20 में वापसी का अंदिया, तीसरे वनडे में भी फतह, पाकिस्तान का वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप। अफगानिस्तान फिर कामयाब, जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीत ली। तो नाज़रीन, ये थी कुछ सुर्खियाँ रोशन कश्मीर के हवाले से। अगर आप हमारे कॉलम और मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.roshankashmir.net से रब्ता कर सकते हैं। ये सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे ग्लोबल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड कुलसराज बाग श्रीनगर और जिलानी इलेक्ट्रिकल स्टोर पुना बाजार शोपियान। नाज़रीन, हमारी इस पोस्ट को लाइक, कमेंट, शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो दीजिए अपने मेज़बान मलिक मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। नामा रोशन कश्मीर, रोशन कश्मीर वेलीज ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल न्यूज़पेपर।